अंगूरी। मेरे पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीवी है। एक तो इस बात से नहीं है कि वो अपने पति की दूसरी बीवी है, सो उसका पति दुहाज हुआ है। जू का मतलब अगर जू हो तो, इसका पूरा मतलब निकला दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे विवाह की जून में। और अंगूरी क्योंकि अभी विवाह की पहली ही जून में है, यानी पहली विवाह की जून में, इसलिए नई हुई। प्रभाती अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने के लिए गांव गया था, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन अंगूरी के बाप ने उसका अंगोछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का यह अंगोछा भले ही अपनी पत्नी की मौत पर आंसुओं से नहीं भीगा होता, क्रिया के दिन नहाकर यह अंगोछा पानी से भीगा ही होता। साधारण सी गांव की रस्म से किसी और लड़की का बाप उठकर जब यह अंगोछा निचोड़ देता है तो जैसे कह रहा होता है, उस मरने वाले की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारा आंसुओं से भीगा हुआ अंगोछा भी सुखा दिया है। और इस तरह प्रभाती का अंगूरी के साथ दूसरा विवाह हो गया था। और अब जब इस साल प्रभाती अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपने गांव गोना लेने गया था, तो अपने मालिकों को पहले ही कह गया था कि वह अपनी बहू को साथ लेकर आएगा। ये कोठरी है बंगले के पीछे की, तुम्हें यहीं रहना है, मैं मालिकों के साथ रहता हूँ और वहीं खाना खाता हूँ। पैरों में चांदी की झांझरे पहनकर छनक छनक करते मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक झांझर उसके पाँव में पहनी होती एक उसकी हंसी में। चाहे वे दिन का अधिकतर हिस्सा अपनी कोठरी में ही रहती थी, पर जब भी बाहर निकलती थी तो एक रौनक उसके पाँव के साथ साथ चलती थी। है तुम्हारा? अंगूरी। क्या पहना है पैर में? छेन चूड़ी। और उंगली में? बिछुआ। और ये हाथों में? हाथ चूड़ी। और ये बाजू में? बाजूबंद। और ये सर पर? पछेना। और कमर में कुछ नहीं पहना? ये पहना तो है, बहुत भारी तगड़ी है, वो कल पहनूंगी। मेरा नाक का टाका भी टूट गया, शहर जाके कल बनवा के लाऊंगी।
मेरा नाक का नक्शा इतना बड़ा था पर मेरी सास ने दिया ही नहीं। और भी गहने थे मेरे पास, मेरी सास ने वही रख लिए। मैं कैसी लग रही हूँ? आप क्या पढ़ रहे हो बीबी जी? तुम पढ़ोगी? ना। क्यों? मुझे आता ही नहीं है। लिख लो। ना ना। क्यों? पाप लगता है पाप। औरतों को पाप लगता है पढ़ने से। औरतों को पाप लगता है, मर्दों को नहीं लगता। मर्द को ना लगता पाप। तो मैं औरत हूँ, मुझे पाप लगेगा? ना 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 ना। शहर की औरतों को पाप नहीं लगता, गांव की औरतों को पाप लगता है। किसने कहा ये तुमसे? मैं जानती हूँ। शहर की औरतों को पाप नहीं लगता, गांव की औरतों को पाप लगता है। राम तारा मोहल्ले का चौकीदार। जब अंगूरी नहीं आई थी तब वो सवेरे ही हमारे घरों से चाय का गिलास मांगा करता था। जब से अंगूरी आई है तब से रामतारा किसी ग्वाले से दूध ले आता और अंगूरी, प्रभाती, रामतारा तीनों बैठकर चाय पीते थे। प्रभाते, ओ भाई प्रभाते। अरे चाय है गर्मा गर्म, चाय लाया हूँ, चाय पियेंगे? चल चाय पीते हैं। चलो चलो चाय पियेंगे। तो भाई अंगूरी, रामतारा चाय लेके आया, चाय लगा लो। प्रभाती यार एक बात बताओ। हाँ पूछ भाई। आजकल क्या चल रहा है मालिकों के यहाँ? वहाँ सब ठीक चल रहा है, खेतीबाड़ी चल रही है। बढ़िया चल रहा है काम? हाँ बढ़िया चल रहा है। चल बढ़िया बात है। और चल एक गाना सुनाता हूँ तुझे। हाँ चल गाना सुनाओ भाई। एक नया गाना आया अभी, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है, करजवा माँ कसक होई बेकरी। ओ प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है करजवा माँ कसक होई बेकरी। ओ प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है। वाह अभी सुना था ये, बहुत बढ़िया गाना, एकदम बहुत बढ़िया गाना था। बीबी जी क्या पढ़ रहे हो? और अंगूरी कैसी हो? ठीक हूँ बीबी जी। घर में सब कैसे हैं? ठीक हैं। गांव में सब कैसे हैं? ठीक हैं। अंगूरी तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की होती है 5-7 साल की तभी किसी की पांव पूज लेती है। लो हो गई शादी। लड़के के पैर कैसे पूजते हैं? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, उसमें पैसे डाल देता है, लड़के के सामने रख देता है, लो पूज गए पैर। ये तो लड़के के बाप ने पूजे, लड़की ने क्या किया? लड़की की तरफ से ही तो पूजे। तो क्या शादी से पहले लड़की अपने खाविंद को नहीं देखती? ना जी ना। ना 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 ना। तो तुम्हारे गांव में शादी से पहले लड़के को नहीं देखते? ना 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 ना। जो प्रेम करती है ना वो देख लेती हैं। तो तुम्हारे गांव में प्रेम भी करते हैं? कोई कोई। तो प्रेम करने से पाप नहीं लगता?
हाँ हाँ लगता है, बहुत लगता है। पाप लगता है तो प्रेम क्यों करती है? ऐसा है, कोई लड़का किसी लड़की को कुछ खिला देता है तो वो उसके प्रेम में पड़ जाती है। क्या खिला देता है? जंगली बूटी। सच? क्या हो जाता है बूटी खाने से? एक जंगली बूटी होती है, उसे पान या मिठाई में मिला के खिला देते हैं, लड़की उसके प्रेम में पड़ जाती है, फिर उसे दुनिया में कोई नजर नहीं आता उसके सिवा। बूटी, तुमने देखी वो बूटी? मैं जानती हूँ। बूटी देखी है? किसने खाई वो बूटी? हाँ हाँ मैंने अपने आँखों से देखी है। हाँ मुझे पता है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मेरी एक सखी थी, मेरे से इतनी बड़ी थी, फिर पागल हो गई थी, उसके पीछे पीछे शहर चली गई वो। तुझे कैसे पता उसे जंगली बूटी खिलाई थी? मैं मिला के खिलाई थी। हाँ ना, तो अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ के चली जाती। शहर से बहुत सी चीज लाता था उसके लिए, धोती लाता था, चूड़ी लाता था, मोती के हार लाता था। ये सब तो चीजें हुई, तुझे कैसे पता बूटी खिलाई थी? हाँ हाँ खिलाई थी बूटी। नहीं खिलाई थी तो वो उससे प्रेम क्यों करने लग गई थी? बूटी नहीं खिलाई होती तो प्रेम कैसे हो जाता? प्रेम तो ऐसे ही हो जाता है। अरे हाँ, नहीं नहीं, जिसे माँ बाप बुरा मान जाए वो भला कैसा प्रेम होता है? देखी है वो बूटी? नहीं नहीं देखी नहीं है, बहुत दूर से लाते हैं उसे, पान या मिठाई में मिला के खिला देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बोल दिया था किसी के हाथ से मिठाई ना खाइयो। क्या किया जो तूने किसी के हाथ की मिठाई नहीं खाई? तेरी सखी ने कैसे खा ली वो बूटी? अपना किया पाएगी, बावली हो गई थी वो, कंघी भी नहीं करती थी, रात को उठ उठ के गाने गाती थी। क्या गाती थी? की खा लेता है वो, बहुत गाता है, बहुत रोता है। क्या बात है अंगूरी, शाम बहुत हो चुकी है, रात होने वाली है, बाहर क्यों बैठी हो इस तरह? मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ आपको, सुबह से शाम हो गई, मैं भूख की बैठी हूँ यहाँ पे, इतना सारा खाना बना रखा है मैंने आपके लिए। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरा खाना मालिकों के यहाँ होता है? मैं वहीं रहता हूँ, वहीं खाना खाता हूँ। तुम्हें कोठरी दी है ना, कोठरी में रहो, जो करना इसी कोठरी में करो। राम तारा 3 दिनों से छुट्टी लेकर गांव गया था। बैरी कैसे काटूं जो बनावा, मेरी मुंदरी में लागो नगिनावा। ओ बैरी कैसे काटूं जो बनावा, मेरी मुंदरी में लागो नगिनावा। ओ बैरी कैसे काटूं जो बनावा, ओ मेरी मुंदरी मिलागो नगिनावा। ओ बैरी कैसे काटू जो बनावा, बैरी कैसे काटू जो बनावा, मेरी मुंदरी मिलागो नगिनावा। ओ बैरी कैसे काटू जो बनावा। अंगूरी बड़ा अच्छा गाती हो तुम तो। गाना? ना ना बीबी जी। अरे कुछ तो गा रही है, मुझे भी सुना क्या गा रही है।
मेरी सखी गाती थी, उसी से सुना था मैंने। मुझे भी सुना, क्या गा रही है? नहीं आता गाना। अरे नहीं, मुझे भी सुनाओ, क्या गा रही थी तुम? बैरी कैसे काटूं जो बनावा, मेरी मुंदरी ने लागो नगिनावा। ओ बैरी कैसे काटूं जो बनावा, मेरी मुंदरी में लागो नगिनावा। ओ बैरी कैसे काटूं जो बनावा, ओ मेरी मुंदरी में लागो नगिनावा। ओ बैरी कैसे काटूं जो बनावा, बैरी कैसे काटूं जो बनावा। खाना खाया अंगूरी? मेरी मुंदरी में लागो नगिनावा। तूने खाना खाया? नहीं। तूने चाय पी? आज दूध ही नहीं था। दूध क्यों नहीं लिया? दूध तो ले लेना था। वो मैं दूध लेती ही नहीं हूँ। तो फिर चाय कैसे पीती है? दूध तो मैं लेती ही नहीं हूँ वो राम तारा। अंगूरी, तूने 3 दिन से चाय नहीं पी, तूने 3 दिन से खाना नहीं खाया, तूने कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली? मुझे कसम लगे मैंने उसके हाथ से पान या मिठाई कुछ भी खाई हो, बस चाय कहीं उसने चाय में तो मिला के नहीं दे दी। ना